ये भूत की फिल्म है हाँ। पर है फिर भी ये इंसानियत की फिल्म है, है नो। मैंने जैसे कि बोला कि बेशक इसके अंदर भूत है लेकिन जो बात करते हैं वो इंसानों से बढ़कर के बात करते हैं, इसलिए हमने जो कुछ चेंजेस भी किए हैं थीमेटिकली, कि जैसे मैंने अनुपम जी का डायलॉग बताया आपको कि ये जब इकट्ठे होते हैं और सारे भूत एक बार इस मेंशन में आ जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, है ना, बेशक हम एक अच्छे इंसान ना बन पाए हूँ लेकिन अच्छा भूत बन के ज़रूर दिखाएंगे। भूतों की फिल्म होते हुए भी ये फिल्म बड़ी नॉर्मल फिल्म है, ये कोई स्पेशल इफेक्ट की या कोई डराने वाली या हॉरर कॉमेडी नहीं है, इट इज़ ए घोस्ट फिल्म बट एक्चुअली डन इन ए वेरी नॉर्मल पेस एज लाइक वी डू विद ह्यूमन बीइंग्स लाइक लाइव एक्टर्स यू नो। I'm playing this character called Manoranjana Kumari, जो 1950s में होती है, एंड जो जो बोलती है डायलॉग भी बोलती है वो तो बहुत नेजल साउंड में कि हाँ मुझे मनोरंजन चाहिए, यू नो दैट काइंड ऑफ फील इट हैज़। और बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस तो वो जो डांस करती है फिल्म के अंदर तो वो वैसी ही रहती है हर वक्त, उसकी जो अदाएँ हैं वो बहुत ही यू नो वो जो डांसर्स वाली होती हैं वैसे चलना मटकना, सो उस तरह का कैरेक्टर है ये। So I think when Satish ji said added the character, it's in the sense that we developed a new character. I'm playing the character that Mr. Sabyasachi played in the original, but obviously considering the age constraints, I couldn't pull off the character that he played in the film. So we made it more age friendly, character that I could possibly pull off, and in that sense he's added the character. So yeah, but I have seen the original and I was absolutely floored by the original. I think it's a wonderful film. And I think in energy and spirit, we've managed to capture the same here in Gang of Ghosts and this astounding star cast that we have. If I may say so, I think the performances are possibly better than the original. So. Gang of Ghosts, Satish Kaushik dwara nirdeshit aur Venus film, Ratanjee Jaina dwara produced hai. It's a social satire. व्यंग है और हॉरर फिल्म नहीं है, इट्स सतीश जी पुट्स इट घोस्ट स्टोरी है, घोस्ट लव स्टोरी है ऑफ पीपल ऑफ और आजकल के हालात पर अच्छा व्यंग है, अच्छा सरगर्म है, वंडरफुल। आई थिंक दर पांच छह गाने हैं, दो तीन गानों में मैं भी हूँ और फुल एंटरटेनमेंट है। इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म, बंगाली फिल्म भूतर भविष्य पर आधारित है बट इसको यूनिवर्सल अपील दिया है सतीश जी ने अपने राइटिंग से और अपने अपने निर्देशन से। गैंग ऑफ घोस्ट, मैं भी एक भूत बना हूँ इसमें, बट इसको गैंग ऑफ घोस्ट कहना वुड बी अनफेयर क्योंकि घोस्ट नॉर्मली लोगों को डराते हैं। इस फिल्म में इट इज जो घोस्ट की समस्या होती है, इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी ऑफ आफ्टर लाइफ कि मरने के बाद आदमी के साथ होता क्या है और वो एक टाइम जोन में फंस जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है सतीश जी ने। एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे ऑब्वियसली बिकॉज दोनों ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। आई थिंक मैं अभी जो फिलहाल दो मूवीज़ कर रही हूँ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। 1920 इज़ अ वेरी सीरियस फीमेल सेंट्रिक रोल और इट्स अ लिटिल मैच्योर, इट्स ऑन अ लिटिल मैच्योर साइड और गैंग ऑफ कोर्स बहुत बबली यंग, इट्स टुडेज गर्ल, तो बहुत वेरिएशन है दोनों रोल्स में। आई एम श्योर इन दो मूवीज़ के बाद एटलीस्ट ऑडियंस वुड अप्रिशिएट दैट व्हाट शी कैन डू एंड कंपैरिजंस होंगे, मैं रेडी हूँ, अच्छे हो तो बहुत अच्छा है बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज देयर इज नो हॉरर इन द फिल्म, इट इज नॉट ए हॉरर कॉमेडी, इट इज ए घोस्ट कॉमेडी वेयर घोस्ट्स आर देयर, देयर इज नो हॉरर इन द फिल्म। तो इसलिए जब कभी कोई हॉरर कॉमेडी की बात करता है दैट इज अ डिफरेंट जॉनर, बट दिस जॉनर विच हैज बीन अटेम्प्टेड वेरी रेयरली, यू नो दिस नेवर बीन अटेम्प्टेड, you know, so you can say this is the first ghost comedy film, which is like if we look at the Hollywood film Casper, you know, the wo jo Casper film thi us jaisi feel ki film kabhi bani nahi hai sahab, to wahan pe karne to ye it is not a horror comedy, it is a ghost comedy and done in a very natural way. Come to get entertained and Gang of Ghosts is a very entertaining film, they should come to see with Satish's past record with all the actors who are there and it's a very unique
film which will make you feel smile, which will make you think, and the music is excellent. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.